बात करते हैं कानपुर की बिठूर सीट की, जहां से भाजपा ने मौजूदा विधायक अभिजीत सांगा पर फिर से भरोसा जाहिर किया है और अभिजीत सांगा भी लोगों के बीच लगातार जाकर वोट की अपील कर रहे हैं। अभिजीत सांगा का दावा है कि उन्होंने इलाके में जो विकास किया है या कराया है, उसके बाद जनता 2022 में भी उन्हें ही लखनऊ भेजने का काम करेगी। कानपुर के बिठूर विधानसभा सीट पर भाजपा ने एक बार फिर से मौजूदा विधायक अभिजीत सिंह सांगा को अपना उम्मीदवार बनाया है और चुनाव प्रचार के दौरान अभिजीत सांगा मंदिर मंदिर माथा टेकते हुए दिखाई दे रहे हैं। विधायक जी, आपका स्वागत है हमारी खास कड़ी में। आपका स्वागत जी। जी धन्यवाद। ये बताइए कि चुनाव प्रचार कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है, जनमानस में बहुत अपार समर्थन मिल रहा है और निश्चित रूप से मोदी और योगी जी के प्रति जनता का विश्वास सड़कों पर देखने को मिल रहा है। क्या मुद्दे होंगे इस बार, किन मुद्दों पे आप जाएंगे? निश्चित रूप से जो विकास का पैमाना सड़क पानी बिजली निश्चित रूप से बहुत आयत में मैंने पूरा करने का काम किया है। कुछ काम रह गए हैं उनको भी मैं पूरा करने जा रहा हूँ। आने वाले समय में हमारे रमईपुर में लेदर क्लस्टर और साल क्षेत्र में डिफेंस कॉरिडोर, जिसके माध्यम से हम अपने नौजवान जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार देने का प्रयास कर रहे हैं। पर्यटन को लेकर के आपने बड़े प्रयास किए, यहाँ के लोगों ने भी बताया, क्या प्रयास किए गए आपके द्वारा? निश्चित रूप से हमारे जो घाट पहले कच्चे थे, जीर्ण शीर्ण थे, उनका सुंदरीकरण हो चुका है नमामि गंगे के माध्यम से। आज जो आप ये देख रहे हैं हमारा ब्रह्मावत घाट भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इसका सुंदरीकरण हुआ है। आने वाले समय में जिस तरह रामायण सर्किट की चर्चा होती है उसी तरह माँ जानकी का, क्योंकि बिठूर से एक व्यापक रिश्ता है, पुराना रिश्ता है, इसीलिए हम चाहते हैं माँ जानकी सी के लिए भी बिठूर को सर्किट से जोड़ के अयोध्या से जोड़ा जाए। अभिजीत सांगा का दावा है कि योगी और मोदी सरकार के कामकाज को देखते हुए जनता फिर से उन्हें ही लखनऊ भेजेगी और उनके विकास की वजह से जनता का विश्वास उनके साथ है। बिठूर के ब्रह्मवर्त घाट पर ब्रह्मा खूटी मौजूद है, सृष्टि का केंद्र कहा जाता है। बिठूर के वर्तमान विधायक अभिजीत सिंह सांगा गंगा मैया की आरती करने के बाद ब्रह्मा खूटी पर शीश नवा रहे हैं और क्या आशीर्वाद मांग रहे हैं उनसे बात करते हैं। क्या आशीर्वाद मांगा? निश्चित रूप से बिठूर का और इस पौराणिक स्थान पर ब्रह्मा जी की जो तपस्थली है, ध्रुव जी की तपस्थली है, यहाँ से मुझसे बचपन से लेकर के आज तक आशीर्वाद ही मिलता रहा है। मेरे हर संघर्ष में बिठूर ने मेरा साथ देने का काम किया है और आज जो मैं यहाँ भी पहुँचा हूँ उसमें बहुत बड़ा योगदान हमारे बिठूर के क्षेत्रीय लोगों का है और हमारे इष्ट देवों का आशीर्वाद है। इष्ट देवों का आशीर्वाद रहा है जनता के लिए, अब आगे का विजन क्या उनके सामने पेश करेंगे जब जाएंगे उनसे जन समर्थन मांगेंगे? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प है सबका साथ सबका विकास, 2014 में मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद, 2017 में योगी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद, निश्चित रूप से सबका साथ सबके विकास के संकल्प के साथ में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो कार्य किए हैं वो अपने आप में हमारा रिपोर्ट कार्ड और रिजल्ट कार्ड है। जनता के बीच में जा रहे हैं, बहुत बहुमत के साथ में समर्थन मिल रहा है। आने वाले समय में बड़े लीड के साथ में विधानसभा को हम लोग जीतने का काम करेंगे। अभिजीत सांगा पर भड़काऊ भाषण देने के आरोप भी लगते आए, जिस पर उनका कहना है कि वो सिर्फ सच बोलते हैं। अभिजीत सिंह सांगा से बात करते हैं। विधायक जी, ये बताइए कि आपके क्षेत्र में आपके खिलाफ शिकायत करने वाले लोग, विपक्ष के लोग ये कहते हैं कि आप बड़े भड़काऊ भाषण देते हैं, लोगों को बांटने का काम करते हैं। देखिए, अगर सही को सही कहना अगर किसी को भड़काऊ लगता हो तो मैं हजार बार कहूँगा। बहुत से ऐसे विषय होते हैं जहाँ पर बोलना पड़ता है, सच को सच बोलना पड़ता है और जनता की आवाज़ को प्रशासन और सरकार के सामने ले जाना मेरा दायित्व है। मैं उनका सेवक हूँ, मैं उनका चौकीदार हूँ। आपका सच लोगों को कड़वा क्यों लगा? रमईपुर में जो कुछ हुआ उसमें तो आपके जो बोल थे बड़े विवादित कहे गए। वो कड़वा नहीं लगना चाहिए था। देखिए, समाजवादी पार्टी की सरकार जब पहली बार बनी उस दौर में एक मंदिर के अंदर ताजिया दफनाना शुरू कर दिया गया, तो मेरा यही कहना था कि अगर ताजिया दफनाना है, मेरा किसी धर्म की आस्था पर ठेस पहुँचाना मेरा कोई लक्ष्य है, मेरा वो इच्छा नहीं है। मेरा इतना सा कहना है कि मंदिर प्रांगण में वो ताजिया नहीं दफनाने चाहिए, उसके लिए कोई और अन्य जगह, या तो प्रशासन या तो अपना वो व्यक्तिगत रूप से लोग अपना चयनित करके वहाँ पर करें। किसी मंदिर के अंदर ये कोई धर्म इजाज़त नहीं देगा, कोई आस्थावान व्यक्ति इजाज़त नहीं देगा, कोई आस्थावान समूह इजाज़त नहीं देगा कि आप मंदिर के अंदर ताजिया दफनाओ। अभिजीत सांगा भले ही अपनी जीत का दावा कर रहे हैं लेकिन 2022 में उनका ये दावा कितना सच साबित होता है ये तो 10 मार्च को चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद ही पता चल पाएगा। कानपुर के बिठूर से रतीश त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।